ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा है अमाइंस के आइसोमेरिज्म, और अमाइंस के आइसोमेरिज्म की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस में देखते हैं एक और एग्जांपल अपना कौन सा है ना। वन मोर एग्जांपल, वन मोर क्वेश्चन, क्या ड्रॉ पॉसिबल आइसोमर्स फ्रॉम द फॉर्मूला है ना, किससे बनाने, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या फॉर्मूला गिवन है हमको। अब देखो फॉर्मूला गिवन है C7H9N, ठीक है, C7H9N के जो आइसोमर है वो बनाने, एंड राइट देयर आईयूपीएसी नेम्स ऑल्सो, ठीक है, उनके आईपीएसी नेम भी बनाने, C7H9N के आइसोमर हमको बनाने। अब देखिए फर्स्ट तो जो बात है वो ये है क्या कि C7H9 कंपोजिशन देखो, कार्बन कितने 7 है, H कितने 9 है ना, हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन समझ में आ रहा है कि कंपाउंड में हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, ठीक है, और इतना हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब हो है ना, और कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बिल्कुल क्लोज हो, सी और एच का रेशियो बिल्कुल क्लोज हो, और कार्बन के नंबर 6 या उससे ज्यादा हो, 6 से ज्यादा कार्बन हो और सी एच का रेशियो वेरी क्लोजर हो, तो फिर हमको क्या कर लेना चाहिए, फिर हम साइक्लिक कंपाउंड में जाएंगे, मतलब कि बेंजीन रिंग वालों पे जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में जाएंगे, तो हमको सबसे पहले क्या बना लेनी चाहिए, एक बेंजीन रिंग बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड में पहले बेंजीन रिंग के बारे में बताया था कि क्या रहेगा अपना बेंजीन रिंग। देखो अब बेंजीन रिंग में क्या होता है, अगर आप बेंजीन की बात कर रहे हो ना, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये लो फर्स्ट बेंजीन, अब हमको पता है बेंजीन, तो इसका तो फॉर्मूला क्या है, C6H6, ठीक है, इसका फॉर्मूला C6H6 है। अब बेंजीन में से आपने एक एच रिमूव कर दिया, ठीक है, एक एच हमने रिमूव कर दिया, तो अब ये हो जाता है क्या, C6H5, ठीक है, C6H5 है जिसको अपन फिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है, और अगर आपने एक और एच रिमूव कर दिया, अब वो आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से मतलब कि आप चाहो तो ओर्थो से भी कर सकते हो, मेटा से भी कर सकते हो, पैरा से भी कर सकते हो, तब फॉर्मूला हो जाएगा C6H4, और दो वैलेंसी आप इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। तो तीन चीज तो ये ध्यान रखें है ना, अब इससे क्या होगा, इससे होगी जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो वेरी क्लोज होगा तो हमारे सामने ये कुछ कंपोजिशन रहेंगे, तो इससे हमको आइसोमर बनाना है थोड़ा सा इजी रहेगा, कैसे, आओ देखो C7H9 और N ये है ना, तो अमाइंस की बात चल रही है, वैसे भी नाइट्रोजन है, ओनली सी और एच के साथ अगर नाइट्रोजन है तो फिर क्या, वो जनरली वो अमाइंस का कंपोजिशन होता है, ठीक है, अमाइंस होता है, तो हम ट्राई करते हैं देखो अमाइंस के लिए, आओ देखो कैसे, C7H9 है तो बोल ही दिया, कार्बन जब 6 या उससे ज्यादा हो और सी एच का रेशियो वेरी क्लोज हो तो सबसे पहले बेंजीन बना लेनी चाहिए, ठीक है, ये बना ली हमने बेंजीन, ये बना ली, ठीक है, अब आपने इस पे कर दी एक फ्री वैलेंसी, यानी अभी एक्चुअल में क्या हो गया, फिनाइल हो गया, क्या हो गया, ये फिनाइल हो गया, आ गया ये C6H5। अब देखो C6H5 तो आ ही चुका है हमारे पास, अब और क्या बाकी रहेगा, तो वो इधर साइड में देख लो क्या बाकी रहेगा, C7H9N था, माइनस कर दो C6H5, अब क्या क्या आपके हाथ में रह गए, एक कार्बन रह गए है ना, और 4 हो गए H, और एक बचता है क्या, नाइट्रोजन, ये चीजें अब आपके पास है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, अभी आपको और लगाना है, कैसे लगाओगे, बिल्कुल आसान है, क्या कर दो CH2NH2, हो गए CH2NH2, हो गया ना, एक कार्बन भी आ गया, 4 हाइड्रोजन भी आ गए, नाइट्रोजन भी आ गया, CH2NH2, ठीक है। अब यहां से अब एक और चीज का आइडिया मिल जाएगा हमको, क्या कि ये NH2 जो हमने साइड चेन के थ्रू लगाया, क्यों ना हम इसको डायरेक्टली लगा दें है ना, और अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे है ना, मैं नीचे लगा लेता हूं, इसको अगर अपन डायरेक्ट लगाएंगे तो देखो, अगर हमने इसको NH2 को डायरेक्ट लगा दिया है यहां पर, अब इसको हटा देते हैं, अब NH2 को डायरेक्ट लगा दिया है तो अब कितनी चीज हो चुकी थी यार, C6H5NH2 इतना तो आ ही गया हमारे पास, इसको अगर कंडेंस कर लें तो कितना हो गया, C6 है, H कितने हो गए 7, यहां लगाते हैं वापस,
ये कैलकुलेशन इधर करते हैं, C7H9N था गिवन क्या था हमको, C7H9N क्या क्या लगा दिया हमने, C6 लगा दिए, H5O27 सात H भी लगा दिए, एक नाइट्रोजन भी लगा दिए। अब और क्या बचता है, और बचता है हमारे पास क्या, एक C बचता है और क्या दो H बचते हैं, एक C और दो H, CH2 बचता है हमारे पास में, CH2 बचता है। तो वो CH2 कैसे लगाएं, है ना, मतलब कि वही बात है कि आपने बस CH2 को हटा दिया, या NH2 सीधे लगा दिया। अब वो CH2 कहां लगाए, तो अब यहां जैसे आपने यहां लगाया, तो जैसे आपने यहां लगाया तो यहां का एक H आपने हटाया, यहां पे एक H होता है ना, वो एक H आपने हटाया, तो वो H इसी में ऐड कर दो CH2 में, है ना, तो टोटल कितने हो गए CH3, तो ये हो गया CH3, ठीक है। या फिर आप इसको इधर से भी समझ सकते हो, कैसे, इसीलिए बनाया था, अगर आपने ये चीज तैयार कर ली है, यू समझ लो अगर आपने ये दो वैलेंसी लगा दिए, तो अब ये क्या हो चुका है C6H4, ठीक है। कंपोजिशन क्या गिवन था आपको, कंपोजिशन गिवन था C7H9N माइनस कर दो C6H4, तो क्या बच गया, एक तो कार्बन हो गया, पांच हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन है। अब इनको कैसे एडजस्ट करोगे, तो पांच हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट करेंगे, एक दो तो कर दो किसके साथ, NH2 के साथ, और तीन कर दो किसके साथ, C के साथ, CH3 के साथ के फॉर्म में आ गया, ये आइडिया में। तो इस तरह से बनाया, और जैसे आपने ये ऑर्थो पोजीशन में रखा है ना, मतलब ये ऑर्थो वाला बनाया, तो दो और बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्या बन जाएंगे, दो और बन गए, कौन कौन से, एक मेटा वाला, एक पैरा वाला, है ना, NH2 ये मेटा पे लिया है CH3, ठीक है, और फिर एक बार लिया है अपन कहां पर, पैरा पे, ये अपन पैरा पे लिया है, आ गया, आ रही मेरी बात समझ में, तो तीन ये और बन गए, तीन ये बन गए, है ना, तीन ये बन गए, एक पहले से ही बनाया था, एक और हम बना सकते हैं, कौन सा, सेकेंडरी अमाइन वाला, है ना, कैसे, यहां बना लेते हैं, ये लो, ये लो, ये बन गया NH और CH, है ना, मतलब क्या किया अपन ने, इस NH2 ग्रुप को बीच में एडजस्ट कर दिया, तो वो NH के फॉर्म में हो जाएगा, और एक H जो था वो CH2 के साथ बाकी इधर कर दिया, तो CH3 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से C7H9N से टोटल कितना आइसोमर पॉसिबल है, टोटल 5 आइसोमर इससे पॉसिबल हो जाते हैं, टोटल 5 आइसोमर इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 आइसोमर है, आगे इतनी बात समझ में आ गई, अब हम करते हैं इनकी क्या नेमिंग, ठीक है, आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो 5 आइसोमर अपन ने इसके बनाए नहीं थे, कौन कौन से 5 आइसोमर बने, देखो एक बार जल्दी से आप बना लेते हैं, फिर इनकी नेमिंग करेंगे। देखो फर्स्ट अपन ने बनाया CH2 NH2, ठीक है, सेकंड फिर हमने बनाया एनिलीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में CH3 ऑर्थो पे, फिर आपने लगाया एक बार कहां पर, मेटा पे, फिर लगाया कहां पर, पैरा पे, ठीक है, ये सब तो हमने बनाए थे कौन से, प्राइमरी अमाइन, और एक फिर हमने बनाया था सेकेंडरी अमाइन, एक फिर हमने सेकेंडरी अमाइन बनाया था जो कि ये था NH CH3, ठीक है। तो ये टोटल 5 बने थे, अब हमको करनी इनकी नेमिंग, आज पहले देख लेते हैं अगर कॉमन नेमिंग भी पॉसिबल है तो वो भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आओ देखो कॉमन नेमिंग क्या बनाई थी इसकी, कॉमन नेमिंग, ये ग्रुप बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है, इतना इतना ग्रुप बेंजाइल ग्रुप होता है, तो नाम हो जाएगा क्या, बेंजाइल अमाइन, क्या नाम हो गया, बेंजाइल अमाइन, ठीक है, आ गया। IUPAC नेम की बात करें, ये लो IUPAC, ये बेंजाइल अमाइन, IUPAC क्या हो जाएगा, एक कार्बन की चेन है, ठीक है, तो वन पे फिनाइल, वन फिनाइल और मिथेनमाइन, वन फिनाइल मिथेनमाइन, ठीक है, ये इसका हो गया। आ रही नहीं आ रही वासन, ये तो फर्स्ट वाले का कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। अब करते हैं सेकेंड वाले के लिए काम, सेकेंड वाले का कॉमन क्या बनेगा, कॉमन कॉमन बन जाएगा ऑर्थो टोलोइडीन, बनाया था हमने ऑर्थो टोलोइडीन, इसी तरह से इसका बन जाएगा मेटा टोलोइडीन, मेटा टोलोइडीन, इसका बन जाएगा पैरा टोलोइडीन,
ठीक है, ऑर्थोटोलोइडीन, मेटाटोलोइडीन, पैराटोलोइडीन, इनको आप वो भी बोल सकते हो क्या, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, मेटामिथाइल एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन, एनिलीन की टर्म से भी हम बना सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, आईपीसी बने तो आईपीसी बिल्कुल इजी है, बस नंबरिंग कर देंगे 1-2, इसमें हो जाएगी 1-3, इसमें हो जाएगी 1-4, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है, बाकी वही है 2-methyl एनिलीन की टर्म से भी बना सकते हैं और बेंजीन अमाइन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन खींच देते हैं, बेंजीन अमाइन भी हम बोल सकते हैं। लो 3-methyl क्या हो जाएगा इसका, 3-methyl एनिलीन, ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, इसका 4-methyl एनिलीन, और इन्हीं को आप बेंजीन अमाइन के टर्म्स में भी बना सकते हो। अगर बेंजीन अमाइन के टर्म्स में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं बोल के बता देता हूं, 2-methyl बेंजीन अमाइन, 3-methyl बेंजीन अमाइन, 4-methyl बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो ये हुई इनकी, और अब इसका कर लेते हैं, है ना। तो इसका अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन तो हो जाएगा, इतना तो मिथाइल है, इतना फिनाइल है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन। ठीक है, और आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी हो जाएगा इसका क्या, एन पे मिथाइल है और बड़ा ग्रुप ये, छोटा ग्रुप ये, तो छोटे ग्रुप को किसके साथ लिखना है, एन के साथ, एन मिथाइल, और एनिलीन की टर्म्स में भी बोल सकते हैं, और आप चाहो तो बेंजीन की टर्म्स में भी बोल सकते हो, तो एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, ये भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कि इसके 5 आइसोमर और उनके आईपीसी और कॉमन दोनों तरह की नेमिंग, आगे समझ में, ये था।